एक फेसलेस मूवी रिकैप का चैनल बनाना तो आप चाहते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट कॉपीराइट? और क्या ऐसे चैनल चलते भी हैं? आई मीन आर दे मोनेटाइज्ड बाय यूट्यूब? जी हाँ, आप ये कुछ चैनल्स देखिए। ये मिस्ट्री रिकैप्ड वाला चैनल मोर देन 3.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स और वीडियो पर व्यूज भी मिलियंस में। ये एक कंप्लीट मूवी रिकैप का चैनल है। इसी तरह ये दूसरा चैनल स्टोरी रिकैप मोर देन 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स और यहाँ भी सेम कहानी, अलग अलग मूवीज रिकैप की वीडियोज आपको देखने को मिल जाएगी और इनकी वीडियोस पर भी व्यूज आप देख ही सकते हैं। सिमिलरली आप एक कुछ और चैनल्स भी यहाँ पर देख सकते हैं जिनके सब्सक्राइबर्स थाउजेंड्स एंड मिलियंस में और वीडियो पर व्यूज भी अच्छे खासे आ रहे हैं। इसका रीजन सिंपल है, ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें लोगों का इंटरेस्ट कभी खत्म नहीं होता और आप इसे एक सदाबहार कैटेगरी भी कह सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि क्या ऐसे चैनल मोनेटाइज भी होते हैं? आर दे मेकिंग मनी? यस दे आर, एंड दे आर मेकिंग सम सीरियस मनी। सोशल ब्लेड के हिसाब से हर चैनल यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स हर महीने छाप रहा है और जितने चैनल्स मैंने आपको दिखाए हैं वो सारे ही चैनल्स मोनेटाइज हैं। और अगर नहीं होते तो डू यू थिंक कि वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते वीडियोस बनाने में? तो पैसा तो बन रहा है। अब बात करें कॉपीराइट की, जो इस कैटेगरी में एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है अगर आपको प्रॉपर नॉलेज ना हो तो आपको कैसे एक मूवी रिव्यू चैनल बनाना है कॉपीराइट अवॉइड करते हुए और उसे मोनेटाइज भी करना है 100% गारंटी के साथ? और ऐसा कौन सा फॉर्मूला या सीक्रेट है जो ये चैनल्स फॉलो कर रहे हैं जो इतना पैसा भी कमा रहे हैं और कॉपीराइट भी अवॉइड कर रहे हैं? सब कुछ बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, सो डू वॉच द कंप्लीट वीडियो। अगर एक भी स्टेप मिस किया तो बाद में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। चलिए फिर लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले स्टेप वन, आपको सबसे पहले उस मूवी या वेब सीरीज को डाउनलोड कर लेना है जिसके ऊपर आप रिव्यू करना चाहते हैं। ये आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। यू गाइज आर स्मार्ट इनफ टू फिगर दैट आउट। गूगल कर लेना, बहुत सारी साइट्स मिल जाएगी जहां से यू कैन डाउनलोड। आपको पूरी मूवी या वेब सीरीज डाउनलोड करके रख लेनी है। अब फॉर एग्जांपल मैं अभी ये बवाल मूवी के ऊपर ही वीडियो बनाऊंगा तो मैंने ये पूरी मूवी डाउनलोड करके रख ली है। इस तरह आपको जो भी मूवी या वेब सीरीज चाहिए उसे आप डाउनलोड कर लीजिए। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। अब आपको चाहिए होगी स्क्रिप्ट अपने वीडियो के लिए, तो इसके लिए बेसिकली यू हैव थ्री ऑप्शंस। पहला ये कि आप पूरी मूवी या वेब सीरीज खुद देखिए और फिर उस मूवी के ऊपर एक प्रॉपर सिनॉप्सिस या रिकैप लिखकर रेडी कर लीजिए। ये सबसे यूनिक और बेस्ट तरीका है। हालांकि इट्स नॉट दैट इजी अगर आपके पास राइटिंग का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस ना हो तो फिर अब आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है। वो क्या? आपको जिस भी मूवी रिकैप की वीडियो बनानी है उसका एक सिनॉप्सिस आप चैट जीपीटी से भी बनवा सकते हैं। जिस भी लैंग्वेज में चाहिए उसमें आप चैट जीपीटी को सिनॉप्सिस देने बोल सकते हैं उस मूवी का और आपको यहाँ से पूरी स्क्रिप्ट मिल जाएगी। लेकिन इस मेथड में भी एक प्रॉब्लम है। अगर चैट जीपीटी आप फ्री वर्जन वाला यूज करते हैं तो आपको पता होगा कि इसका डेटा नवंबर 2021 के बाद से अपडेट नहीं हुआ है। सो चांसेस आर कि आपको लेटेस्ट मूवीज और वेब सीरीज का सिनॉप्सिस ये ना दे पाए, तो आप फिर क्या करें? तो फाइनली आपके पास है थर्ड ऑप्शन, IMDb। ये एक बहुत ही फेमस मूवी साइट है, आप में से बहुत से लोगों को पता ही होगा। तो आपको जिस भी मूवी के ऊपर स्क्रिप्ट लिखनी है उसे यहाँ पर सर्च कीजिए और यहाँ पर आपको हिंदी, इंग्लिश और बाकी सारी लैंग्वेजेस की मूवीज भी मिल जाएगी। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर सर्च किया बवाल मूवी, क्योंकि अभी मैं इसके ऊपर ही वीडियो बना रहा हूँ तो अब यहाँ पर ये आ चुकी है। फिर आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके नीचे प्लॉट सिनॉप्सिस और समरी वाला ऑप्शन यहाँ पर दिख जाएगा जैसा कि आप देख सकते हैं। तो आपको इसे ओपन कर लेना है और यहाँ से आपको प्लॉट सिनॉप्सिस पूरी डिटेल्ड में मिल जाएगा। लेकिन 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 आप इसे ब्लाइंडली कॉपी पेस्ट तो नहीं कर सकते हैं अपनी स्क्रिप्ट में, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। तो इससे बचने के लिए आपको ये सिनॉप्सिस यहाँ से कॉपी करना है और फिर से आ जाना है चैट जीपीटी पर और यहाँ पर सिनॉप्सिस पेस्ट करके यहाँ पर इसे बोलना है इसे रीराइट करने को। आप चाहे तो हिंदी में भी इसे देने बोल सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर इसे बोला है और यहाँ से आपको एक यूनिक और कॉपीराइट फ्री सिनॉप्सिस यानी कि स्क्रिप्ट मिल जाएगी जिसे आप अपने वीडियो में यूज कर सकते हैं बिना किसी भी टेंशन के। बस स्क्रिप्ट आपकी अराउंड 600 टू 800 वर्ड्स की होनी चाहिए। ध्यान रखना अगर 10 से 12 मिनट की वीडियो आप बनाना चाहते हैं तो। चलिए तो अब हमें पूरी स्क्रिप्ट यहाँ से मिल चुकी है, अब आपको करना है वॉइस ओवर। इसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो इस स्क्रिप्ट को यूज करके हम वॉइस ओवर बनाएंगे। अब वॉइस ओवर करने के लिए बेस्ट ऑप्शन तो यही है कि आप अपनी खुद की आवाज ही यूज करें, और अगर AI वॉइस यूज करनी है तो मेक श्योर आप रियलिस्टिक AI वॉइस ही यूज करें जैसे कि 11 Labs। हालांकि ये फ्री नहीं है, लेकिन अगर मोनेटाइज करना है चैनल को तो आपको रियलिस्टिक ह्यूमन आवाज ही चाहिए होगी। इसके लिए आप 11 Labs यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप स्क्रिप्ट को पेस्ट करके यहाँ से कोई भी आवाज चूज कर लीजिए और वॉइस ओवर जनरेट हो जाएगा जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो वॉइस ओवर स्क्रिप्टिंग का काम हमारा खत्म हो चुका है।
अब हम चलते हैं फाइनल स्टेप पर एडिटिंग के लिए। अब आपको कैपकट ऐप अपने फोन या सिस्टम में ओपन कर लेना है और सबसे पहले इंपोर्ट पर क्लिक करके यहाँ पर अपनी फुल मूवी वाली वीडियो और वॉइस ओवर वाली ऑडियो फाइल यहाँ पर आपको अपलोड कर देनी है। इसके बाद मूवी वाली फाइल को ड्रैग करके नीचे टाइमलाइन में ले आएंगे। और अब इसके बाद वाले सारे स्टेप्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझ लेना। अगर यहाँ पर गलती की तो कॉपीराइट आना तय है और मोनेटाइजेशन भूल जाना। अब सबसे पहले वीडियो का एस्पेक्ट रेशियो चूज कर लेते हैं। यहाँ पर तो 16:9 हमने चूज कर लिया है। और इसके बाद सबसे पहले ऊपर ऑडियो में क्लिक करके इसका साउंड हमें जीरो कर देना है। ओरिजिनल साउंड हमें इस वीडियो का बिल्कुल भी नहीं चाहिए पूरी वीडियो में, तो इसे आप म्यूट कर देना। अब इसके बाद अपनी रिकॉर्डिंग वाली ऑडियो फाइल को भी ट्रैक करके टाइमलाइन में ले आएंगे। मैं अभी ये डेमो के लिए ही वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मेरी ऑडियो फाइल यहाँ पर आपको छोटी ही दिख रही होगी, लेकिन प्रोसेस आपको समझ लेना है बस। अब ये पूरी मूवी की लेंथ है 2 घंटे से भी ज्यादा। आपको कभी भी पूरी मूवी यूट्यूब पर अपलोड नहीं करनी है, नेवर एवर। तो ये ध्यान जरूर रखना कि कभी भी पूरी मूवी आपको यूट्यूब पर अपलोड नहीं करनी है। इस बात पर मैं ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि 90% ऑफ द क्रिएटर्स यही गलती करते हैं, जिससे उन्हें कॉपीराइट आता है और चैनल भी मोनेटाइज नहीं होता। आप तो इस मूवी में से जो भी मेन पार्ट है जिसे आप अपनी वीडियो में दिखाना चाहते हैं उसे स्प्लिट कर लेना है। जो भी आपकी ऑडियो है या जो भी आपकी स्क्रिप्ट है उसके हिसाब से वीडियो आपको चूज करनी है और बस उतना ही पार्ट रखना है, बाकी पार्ट को आपको डिलीट करते जाना। और यहीं पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज आपको करनी है, किसी भी क्लिप की ड्यूरेशन आपको 5 सेकेंड या उससे ज्यादा नहीं रखनी है। हर 5 सेकेंड में एक नई क्लिप आ जानी चाहिए, ये आपको करना ही करना है। ऐसा करने से आप कॉपीराइट कंप्लीटली अवॉइड कर पाएंगे। तो पूरी वीडियो में से जो भी मेन पार्ट हमें चाहिए उसे स्प्लिट करके अलग करते जाइए, बाकी का पार्ट डिलीट करते जाइए और 5 सेकेंड वाला फॉर्मूला फॉलो करते जाइए पूरी वीडियो में। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर सारी क्लिप्स को अलग करके उसे ऑडियो के हिसाब से अरेंज भी कर दिया है एक के बाद एक। और मैंने ये खास ध्यान रखा है कि कोई भी क्लिप की ड्यूरेशन 5 सेकेंड या उससे ज्यादा नहीं होने दी है। अब इस क्लिप में हम ऐड कर लेंगे एक फिल्टर, जिससे कि ये ओरिजिनल वीडियो से थोड़ी और अलग हो जाएगी। तो फिल्टर वाले ऑप्शन में कोई भी एक फिल्टर आप चूज करके उसे पूरी वीडियो में अप्लाई कर दीजिए और ये वीडियो भी यूनिक हो जाएगी। अब आप चाहे तो इसमें कोई इफेक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं वीडियो में, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं, चाहे तो अप्लाई कीजिए और एल्स यू कैन स्किप। इसके बाद हर क्लिप के बीच में आप ट्रांजिशंस भी ऐड कर सकते हैं यहाँ से, जिससे कि वीडियो और भी अच्छी लगेगी। तो ट्रांजिशन चूज करके हर सीन के बीच में अप्लाई कर दीजिए, जैसा कि आप देख सकते हैं। और फाइनली इस वीडियो में अगर कोई बैकग्राउंड म्यूजिक भी आपको ऐड करना हो तो आप वीडियो अपलोड करते टाइम YouTube म्यूजिक लाइब्रेरी से ही ऐड कर लीजिए, उसमें भी आपको कॉपीराइट नहीं आएगा। चलिए तो अब ये वीडियो पूरी तरह रेडी है, इसे आप एक्सपोर्ट करके डाउनलोड कर लीजिए और बस आपके YouTube मूवी रिकैप चैनल की फर्स्ट वीडियो रेडी टू गो लाइव। मैं इस वीडियो को थोड़ा सा प्ले करके भी आपको दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छा आइडिया मिल सके। और अगर कोई सवाल या इशू आए तो यू कैन कमेंट और रीच आउट टू मी ऑन Instagram। और अगर मूवी रिव्यूज के ऊपर फेसलेस चैनल बनाना चाहते हो तो ऊपर आई बटन वाली वीडियो पर क्लिक करके भी देख सकते हो। Now enjoy the video। अजय दीक्षित वरुण धवन एक इतिहास शिक्षक है, लेकिन उसको यह शर्मिंदगी है कि उसने जीवन में और भी कुछ हासिल नहीं किया है और इसी कारण उसने सबसे कहा है कि उसने परिस्थितियों के कारण पीछे हो गया है। वह एक क्रिकेटर हो सकता था अगर उसकी टेनिस एल्बो की समस्या नहीं होती। वह IAS ऑफिसर बन सकता था, परंतु उसने बच्चों को IAS बनने की शिक्षा देना चाहा। वह महत्वपूर्ण परीक्षा से पहले बीमार हो गया था, इसलिए उसने इतिहास पढ़ाने की बजाय पहले ही इसका हिस्सा बन गया है। ये कुछ झूठ हैं जो उसने पूरे शहर में छवि बनाए रखने के लिए कहे हैं। अजय अपनी छवि से प्यार करता है और इसे हर हाल में सुरक्षित करना चाहता है। विद्यालय के प्रमुख शशि वर्मा को अजय परेशान करने वाले कई शिक्षकों की शिकायतें मिलती हैं, जो मानते हैं कि अजय एक फर्जी है, लेकिन किसी भी सबूत की कमी के कारण प्रमुख को कोई कदम नहीं उठाना पड़ता है। अजय ने 9 महीने पहले निशा जाह्नवी कपूर से शादी की है, लेकिन उसे कभी पसंद नहीं आई।